अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़। पूरी बुक के हर चैप्टर के टॉपिक वाइज जो आपको इंशाल्लाह डेली बेसिस पर लेक्चर मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है आपके आपके पास। जैसे आपने नाइन्थ क्लास में अपनी चीज़ों को पढ़ा था, इसमें आपने फर्स्ट ईयर में जस्ट चीज़ों को जो है वो थोड़ा ब्रीफली पढ़ना है, थोड़ा उसको जो है डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके आपको जो है वो बताए जाएंगे। बाकी चीज़ें जो आपने नाइन्थ में पढ़ी थी सेम एज इट इज़ वही चीज़ें फर्स्ट ईयर में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? बायो टू वर्ड्स का जो है कम्बिनेशन है, दो वर्ड्स को अगर मिलाएं, जैसे लाइफ, बायो मीन लाइफ एंड लॉगो मीन स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाता है? बायोलॉजी। आपकी बुक के अंदर जो पॉइंट्स है वो यही है कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कहेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, बायो जो है ये साइंस की एक ब्रांच है एंड लाइक अदर साइंसेज ये भी बाकी साइंसेस की तरह है। क्या? इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। नेचर को समझने के लिए बायो भी एक हमारे पास जो है एक रास्ता है हमारे पास बाकी साइंसेस की तरह। हम जैसे बाकी साइंसेस के अंदर नेचर को स्टडी करते हैं, तो बायो के अंदर हमने नेचर को स्टडी करने किन की लाइफ की यानी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स की। बेसिकली हम नेचर को स्टडी करेंगे। नेचर को समझने के लिए बायो एक हमारे पास क्या है? वे है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास है कि बायो जो है लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे वो हम किस में पढ़ेंगे? बायो के अंदर। तो ये हमारे पास दो तीन पॉइंट्स हैं बायो के बारे में। ठीक है, बायो की जो है वो क्या आता है, इंट्रोडक्शन क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये तीन पॉइंट्स थे। उसके बाद आते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनको हमने कंपेयर करके पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता है लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? दे पोजेस लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर दे डू नॉट पोजेस लाइफ, इनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कोई भी हो सकते हैं, जैसे पेन है, पॉइंटर है, तो इनकी कोई लाइफ नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है लिविंग थिंग्स दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। यंग वंस यानी कि इस लाइन इस पॉइंट का ये मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एक इंसान से दूसरा इंसान बनेगा, फिर मेल से जो है दो मेल और फीमेल्स होती हैं, उनसे फिर जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास लिविंग थिंग्स ही सिर्फ इस काम को, इस प्रोसेस को जो है वो कैपेबल हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, दे डिपेंड ऑन वाटर, एयर वाटर एंड फूड। ठीक है, लिविंग थिंग्स इन तीनों चीज़ों के बगैर जिंदा नहीं रह सकेंगे। इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? डिपेंड कर रहे होते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसी कुछ दे हैव नो सच रिक्वायरमेंट्स, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है दे आर सेंसिटिव एंड आर रिस्पॉन्सिव टू स्टिम्यूलाई। ये लिविंग थिंग्स क्या होती है? एक तो सेंसिटिव होती है और स्टिम्यूलाई पे रिस्पॉन्स करती हैं। जैसे हम इंसान हैं या फिर जानवर हैं, पौधे हैं, सॉरी परिंदे वगैरह हैं, तो ये ठंडा गर्म अगर महसूस करते हैं यानी उसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये हमारे पास लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर नॉट सेंसिटिव एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूलाई। ये तीनों चीज़ ये जो है ना तो सेंसिटिव होते हैं और ना ही इन चीज़ों पे रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद है मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हैं तो उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होंगे, यानी एनर्जी बनने के प्रोसेस वगैरह, जो एनर्जी थोड़ फोड़ होती है, देन उसके बाद एनर्जी बनती है और फिर उसको लिविंग थिंग्स जो है वो यूज़ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कोई रिएक्शंस नहीं होते। देर इज़ नो मेटाबॉलिक रिएक्शन इन लिविंग थिंग्स। उसके बाद है दे टेक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये ग्रोथ भी करते हैं और डेवलपमेंट भी करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ग्रो एंड डेवलपमेंट, ये ऐसा कुछ काम नहीं करते। उसके बाद है दे हैव लाइफ स्पेन। लिविंग थिंग्स की जो है वो एक लाइफ स्पेन होती है, नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ स्पेन नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग थिंग्स आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर सकते हैं, मूव करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। अपने बलबूते पे वो मूव नहीं कर सकेंगे। जैसे पेन है, जब तक मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के खुद नहीं रखूँगी, ये अपने आप मूव नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड, ये हमारे पास सेकेंड लास्ट पॉइंट है दे रेस्पायर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन देयर सेल्स। लिविंग थिंग्स जो है ये सांस भी लेते हैं और गैसेज को एक्सचेंज भी करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, दे डू नॉट रेस्पायर। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो जो लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर आपको पता है एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं।
नॉन लिविंग थिंग्स आपको पता है, रॉक्स, पेन, टेबल, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो है वो टॉपिक था, क्लियर हो गया इंशाल्लाह आपको सारा हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आपने ज़रूर जो है वो कमेंट्स में मैसेज करके बताना है। तो ये था आज का लेक्चर, इसके अलावा मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।